हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एग्जाम्पल 11 सॉल्व करने वाले हैं केस का, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, जो कि बहुत ही सरल है। देखो प्यारे बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन के लिए ये यूज होता है। आज आप इस क्वेश्चन में भी देखोगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको यूज करके हम लोग फोर डिजिट, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर निकालेंगे, जो कि क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। आप देखो, यहां पे ऐसा कुछ कह नहीं रहा है कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाइए, पर आपको थोड़ा लॉजिक यूज करना पड़ेगा और फिर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाइए। देखिए, यहां पे सिर्फ कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। बस ये शब्द जब बोला ना, विच इज परफेक्ट स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, हाँ कि ना। और ध्यान से देखो, अगर नंबर जो होता है, जो नंबर, अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हमें क्या मिलता है, जो क्वेश्चन, जो आंसर, जो रूट मिलता है ना, वो एक हो, जो एक नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है, वो एक नेचुरल नंबर होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो हमें यहां पर नेचुरल नंबर मिलेगा, नहीं समझ आ रहा सर जी, चलो। और अगर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, और अगर रिमाइंडर बच गया तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इससे माइनस कर देते हैं, तो हमें ये जो यहां पे आ रहा होता है वही हो जाता है हमारा क्या, स्क्वायर रूट हो जाता है। क्या बता रहे सच्ची, सही से बताओ, चलो दिखाते हैं। हमसे कह रहा है ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर बताओ। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर कौन सा हो सकता है, तो प्यारे बच्चों फोर डिजिट के लिए क्या, 1, 2, 3, 4, चार प्लेसेस हैं, एक डिजिट ये, एक डिजिट ये, एक डिजिट ये, एक डिजिट, 1, 10, 100, 1000। तो बताओ एक डिजिट ये, एक डिजिट ये, एक डिजिट ये, बताओ सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर कौन कौन सा, यहां 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 लिख सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा चार डिजिट का नंबर बनाता हो। तो आप कहोगे क्या सर जी, इतना छोटा नन्ना मुन्ना पूछ रहे हो, क्या बात कर रहे हो, कितना सरल है। अरे ग्रेटेस्ट चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए अपने को, तो ये पहले को भर दिया 9 से, दूसरे को भी 9 से ही भर दें, तीसरे को भी 9 से भर दें, और चौथे को भी 9 से भर दें, क्योंकि आप बता रहे हो सबसे बड़ा नंबर चाहिए, 10,000 में से सिर्फ क्या है, यहां पे एक नंबर कम है बस। अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं, 1 ऐड कर दूं, तो ये बन जाएगा 0, ये भी आ जाएगा यहां पे 0, ये भी बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 10। ये 10,000, 10,000 में एक कम है, और ये हमारा ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर है। क्या है, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, बट ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर है, ये जो फोर डिजिट नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसे बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल गया, फोर डिजिट नंबर मिल गया है, जो कि ग्रेटेस्ट है, बट इसको बनाएंगे हम लोग क्या, परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनाएंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके, कि इसमें क्या कमी रह गई, भाई साहब, क्या एक्स्ट्रा है इसमें, क्या कमी है इसमें, ये बता देगा, और वो उस चीज को हम लोग दूर करेंगे। कैसे करेंगे, परफेक्ट क्या लेंगे इसका, हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे क्या, इसका क्या लेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखते हैं, हम लोग करेंगे 9 का स्क्वायर रूट लेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। कैसे करते हैं सर जी, मैं तो भूल गया बाबू। नहीं प्यारे बच्चों, भूलना नहीं है, ऐसे भूल जाओगे तो क्या होगा, कोई बात नहीं, चलो हमें ना बताने के लिए, चलो। तो ये भाई साहब हमारे पास 9 है, इसको कैसे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दो दो का पेयर लेते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं, ये हो गया हमारा एक पेयर, ये हो गया हमारा एक पेयर, चलो। समझ में आ रहा है सर जी, सही से बता देते हो आप, समझ में आ जाता है। अब देखो, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर करने पे या तो 99 आ जाए या तो इससे कम आए, ज्यादा ना। तो हमारे हम लोग कौन सा नंबर ले सकते हैं, सोचो आप, 8 ले सकते हैं, 64 तो कम है, हाँ ले सकते हैं, बट हमें लेना है सबसे क्लोजेस्ट, तो 9 क्या है, 9 है, हाँ 9 9 81, 9 का स्क्वायर 81, हाँ यार 81 तो छोटा है 99 से, तो ले सकते हैं, तो 10 को भी देते हैं, 10 का स्क्वायर 100 होता है, अरे 100 तो भाई साहब 99 से बड़ा है, तो नहीं लेंगे, तो यहां पे लेंगे 9, तो 9 9 क्या होता है प्यारे बच्चों, 81,
इसी 9 को आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो 9 9 81, तो क्या कर रहे हो आप इसको 99 को डिवाइड कर रहे हो 9 से, तो 9 9 81 काटो यहां से, तो क्या मिल जाएगा आपको बताओ क्या मिल जाएगा, सोचो सोचो सोचो, 9 में से 1 गया 8 मिल जाएगा, सोचना कैसा जी, 9 में से 8 गया आपको क्या, अरे हाँ 9 में से 8 गया क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना रहता है प्यारे बच्चों, इस इन दोनों को क्या करना रहता है, नीचे लिखना रहता है, तो मैंने लिख दिया 9 और 9 लिख दिया। अब यहां पे जो सेकंड स्टेप होता है वो समझने वाली बात है कि ये जो आता है ये डबल होके यहां पे लिखा जाता है, तो 9 9 9 2 18, और इसके नीचे वाला आप गैप छोड़ देते हो, एक लेफ्ट कर देते हो। अब क्या करना पड़ता है आपको, एक ऐसी वैल्यू यहां पे चूज करनी पड़ती है जिसको क्या करोगे, यूज करोगे यहां पे, उसी से इस पूरे को क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई। तो यहां पे जो नंबर लिखा जाएगा वो कोई और नहीं 9 लिखा जाएगा, तो देखो कैसे क्या क्या, 9 9 81 के 1 8 यहां चले गया, 8 9 72 प्लस 8 क्या हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा, 80 के 0 8 यहां चले गया, 9 9 9 8 17 होता है, 9 8 17। सर जी इतनी तेज तेज कर ले रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कितनी तेज तेज कर ले रहे हो आप, तो भाग रहे हो इतनी तेज तेज करके, आप तो भाग रहे हो प्यारे बच्चों। यहां पे मैं भाग नहीं रहा हूं, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं भाग नहीं रहा हूं, यहां पे मुझे पता है क्या यूज करेंगे, आपको नहीं पता है तो आप क्या करो, यहां पे 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, मल्टीप्लाई कर करके देखो कौन कौन सी वैल्यू, मल्टीप्लाई करने पे कौन कौन सी वैल्यू आ रही, आपको देखना है आपको सबसे क्लोज, सबसे क्या करना है, ऐसी क्लोजेस्ट वैल्यू आपको यहां पर चूज करनी है जो इसके सबसे पास हो। तो आप क्या करो 8 को रख के देखो, आहा, अब अगर यहां पर आप 10 रख लेते तो 10 क्या होता, ज्यादा बना लेता, बहुत ज्यादा बनाता, समझो समझो, 10 10 यहां पे रखने का मतलब समझो, ये देखो 10 यहां पे अगर मैं रखता तो 10 × 10 करते तो कितना आ जाता, ध्यान से देखो आ जाता 1 8 0 1 8 1 1 8 1 0 0 आ जाता, आ 18,000, और यहां पे लिखा है 1,899 लिखा है, और जो आ रहा है वो 18,100 आ रहा है, तो अपने को ये इतना बड़ा नहीं चाहिए, अपना तो 9 ही काफी है, तो 9 यहां पे लिख देंगे, यहां पे करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अब इससे मल्टीप्लाई करें हमें क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, ये देखो मिटाई दिए, क्या किया मिटाई दिए, मिटाई दिए, ये लो 9 से फिर से करो, 9 9 का क्या होता है 81 के 1, 8 यहां चले गया, 8 9 72 प्लस 8 = 80 के 0 8 यहां चले गया, फिर यहां पे 9 1 9 और ये 8 8 61 17, तो 17 0 17 0 1 यहां पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे माइनस करेंगे, और क्या करेंगे, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, तो हमें इतनी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, इसमें से माइनस करनी पड़ेगी इतनी वैल्यू, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। करके देखो, तो हमारे ये क्या 9 जो यहां पे हमने ये यूज किया है 9, इसको यहां पे लिखेंगे, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें क्या चाहिए 99 का, तो यहां पे क्या है ध्यान से देखो 99, तो यहां पे अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो ये पूरा हमारा जब माइनस करते हैं तो 0 आता है, इतना अगर मैं माइनस कर दूं तो यहां पे 9 9 9 9 से मैं माइनस कर रहा हूं 1 9, यहां पे देखो मैं माइनस कर रहा हूं 1 9 8 को माइनस कर रहा हूं, इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा क्या, ये आ जाएगा 1, ये 0, ये 8, फिर ये 9, आहा ये 9 8 0 1 जो है ये क्या है, ये 9 8 0 1 जो है ये है हमारा क्या 99 का स्क्वायर है ये। अब ध्यान से सुनो, ये क्या है 4 डिजिट, ये क्या है, ये जो ये है हमारा, ये है हमारा 4 डिजिट ग्रेटेस्ट 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 क्या, ध्यान से देखो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें है प्यारे बच्चों। अब मुझे लगता है आपको समझ में आएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड का कैसे यूज करते हैं। 4 डिजिट हमने देखी, अपने अपना दिमाग यूज किया है 4 डिजिट के लिए, 4 डिजिट के लिए क्या किया अपना दिमाग यूज किया, दिमाग यूज करने के बाद मैंने क्या किया लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड करने के बाद जो रिमाइंडर हमको मिल रहा था उसको हमने क्या किया इसमें से माइनस कर दिया, और हमको फिर बाद में क्या मिल रहा है ये नंबर जो मिल रहा है ये 99, ये डायरेक्ट मैं कह रहा हूं, बट अगर आप निकालना चाहें आप अपनी संतुष्टि के लिए अगर निकालना चाहें 9801 का क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड से कि इसका एक्चुअली में स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो वो 99 ही आएगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा लॉजिक तो यूज करो ना, हम लोग क्या करें इस नंबर को क्या करें इसी में से माइनस कर दे रहे हैं,
इसका मतलब क्या है, जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करोगे तो ये नंबर बचेगा ही नहीं, मतलब जीरो बचेगा, और जीरो बचा है तो भाई साहब 99 ही तो आएगा ना। ठीक है, तो करके देखना, ये वाला आपके लिए छोड़ के जाता हूं, करके देखना आपको 99 ही मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जांपल नंबर 11 भी बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि कुछ था ही नहीं समझने के लिए ज्यादा कुछ। ठीक है, बस आपको कहां कहां लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना, ये क्या क्या दे सकता है आपको, बहुत जरूरी है। ये आपको बहुत सारी चीजें दे सकता है, ठीक है, ये ऐसे ही नहीं यूज होता है बहुत सारी जहां पे, इसको समझ लेना अच्छे से, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होगा ये। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक ख्याल रखो, और ना समझना तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना।